नमस्कार और आदाब सनीचर। फरवरी के 22 तारीख पेश है 7 दिन के खबरें। फरकेश और खफाला के बारे में हम आपसे बताना चाहते हैं, जिन लोगों के मृत्यु, जिन लोगों के देहांत यातायात में हुए हैं। औस्तवस फरबिंदिंग इलाका कॉमोवेल में सनीचर 15 तारीख फरवरी को एक हादसा हुआ है, दो मोटर गाड़ी के साथ। इसमें से एक मेद इंसिडेंट लुटविक कार्वोफोदी 52 साल का, इनका देहांत हो गया है। ये पता चला है कि जिस गाड़ी में ये आदमी था, ये मेड इंसिडेंट था, मतलब ये गाड़ी नहीं हाँक रहा था। इनके गाड़ी वहाँ पर रुके हैं किसी को गाड़ी से निकालने के लिए, और उसी वक्त एक दूसरा गाड़ी वहाँ पर आई जिसका ऑटोबस उधर 48 साल का एक एयर आ था, जाकर इस गाड़ी से टकराया है। कार्वोफोदी बुरी तरह से घायल हुए और इनका देहांत हो गया है। एर आ जो फर और शाकर था, ये आन रहे दिन का, इनके पास एक ख्याल खराब वैस था, लेकिन पुलिस इनको हिरासत में लिए क्योंकि किसी का देहांत हो गया है। और दोनों गाड़ी जो है ये हेयर क्योरिंग के लिए कब्जे में भी लिया गया है। और कार्वोफोदी जो है ये फर केश दोद नंबर सेफ है इस साल के पास दे। एक और हादसा हुआ है, एक 19 साल का ब्रॉमफिट्सर जो है नशीफियो क्लोज, इतवार के सुबह में इनका भी एक हादसा हुआ है क्रॉसिंग लक्ष्मण स्त्रात और कुछ वैन स्त्रात पर। पुलिस के छानबीन से यह पता चला है, कमांड सेंटर के कैमरा बिल्डन से यह पता चला है कि यह ब्रॉमफिट्सर 19 साल का नशीफियो क्लोज ये लाल बत्ती यानी रोड लिख पर गौर नहीं किए है, और इसलिए ये गाड़ी जो है जाकर इनसे टकराया है। ये इसमें गाड़ी का दोष नहीं था, ये खून लिख पर गाड़ी चलाए है, लेकिन यह ब्रॉमफिट्सर ये गलत था क्योंकि यह रोड लिख पर गौर नहीं किए है, लाल बत्ती पर गौर नहीं किए है। यह बुरी तरह से घायल हुए थे और अकादेमी सिकन हाउस में कुछ देर बाद, यह हादसा के कुछ देर बाद इसका देहांत हो गया है। ना शिफियो क्लर्स के देहांत हो जाने से फरकेश पारो में इधर आख पर आकर पहुंच गए है। बीते हुए सोमवार को हजारों के तादाद में लोग गए थे और अफंकलक हेड्स प्लेन पर एक प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी के वास्ते। पकीतो बेरफ्लीत ये लोगों को पुकार किए थे, और बहुत से ऐसे पॉलिटिकल पार्टी जो है, बदरेफ शरीफ के लोग, फकबोंद के लोग, सभी लोग यहाँ पर गए थे मदद देने के लिए और इस प्रोटेस्ट अक्सी में हिस्सा लेने के लिए। जैसे पिछले हफ्ता हम आपको बता चुके थे, तो लोग ये प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी इसलिए करते हैं कि कस रसर्फस जो गुम हुआ है, और भी ये बताया गया है दाम जो दिन पे दिन और ऊंचा होता है, कोर्स जो भी ऊंचा हो गया है, देश का जो आर्थिक स्थिति है, देश का जो हालात है ठीक नहीं है, तो इसी के लिए लोग अपना इतराज़ पेश करने के लिए ये प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी किए है। वैसे ये प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी हुआ है, बहुत से लोग इसमें हिस्सा लिए, कुछ मेडिसी, कुछ डॉक्टर स्पेशलिस्ट भी इसमें हिस्सा लिए थे, और ये लोग कहे हैं, ये डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट ने कहा है कि सूरीनाम देश के फिनेंशियल इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, इसका असर जो है ये सौरख सेक्टर पर होगा, मरीज का इलाज नहीं हो पाएगा। इस वक्त भी बहुत से लोगों को लोग इलाज नहीं कर पाते हैं क्योंकि मेरी से खबर आर्टिकल जो है जो ज़रूरी है इलाज के वास्ते, इन लोगों के पास नहीं है, इसका एक खार्स थे, इसका कमता है। कार्डियोलॉग वाल्टर यपचुनसा जो अकादेमिक सीकन हाउस का एक कार्डियोलॉग है, ये कहते हैं कि वो इनको चिंता है मरीजों के लिए, काफ़ी चिंतित है वो, क्योंकि इन लोगों का इलाज ठीक तौर पर नहीं हो पाता है। ये भी बताया है कि कंकर पशंतन जो है ये सब अपनी दवा के लिए, इन लोगों के पास पैसा नहीं है। और यापचिन यू ये भी कहते हैं, याप चुन सन ये भी कहते हैं कि सरकार को 300 मिलियन एसएफडी का कर्जा है सिकन हाउसन के पास, यह पैसा जो अस्पतालों को मिलना चाहिए सरकार के तरफ से। ले फ्रांसियर स्पेस मेकर्स का जो है ये सब ये लेफरिंग अब भी नहीं करना चाहते क्योंकि इन लोगों को पैसा नहीं भरा जाता है। और ये भी बताया गया है कि मरीज पशंतन जो है ये बीमार है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग पहले अपना पेट भरते हैं, पहले लोग खाने पीने के सामान खरीदते हैं, और उसके बाद इलाज के वास्ते लोग आते हैं या दवा खरीदते हैं।
वैसे एक हर्ष आर्ट्स ये बताते हैं कि कहा जाता है कि डॉक्टर लोग जो है ये सब काफ़ी अमीर लोग होते हैं, लेकिन ये सच बात नहीं, क्योंकि 38% इनका इनकॉमस्टन जो होता है, इसके 38% फिस्कस को ब्लास्टिंग को लोग भरते हैं, ब्लास्टिंग को दिया जाता है। स्पेशलिस्ट दूस डियाकोनेस सेकन हाउस का कहते हैं कि दिन पे दिन देश का हालात ये ख़राब होता जाता है, और दिन पे दिन ये इलाज करने के लिए वो लोगों को गारंटी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गया है ये मामला संभालने को अस्पतालों में। वैसे ये जो हालात है देश का, दूस कहते हैं कि ये रखेरिंग जो है इसको मौका मिल चुका है दो बार इन लोगों को मौका मिल चुका है, लेकिन देश का हालात नहीं सुधरे है, इसलिए वो कहते हैं कि अब समय आ गया है इसमें बदलाव लाने के लिए, ताकि देश और बेहतर हो सके। वैसे ये सुनने में आया है कि एक नया प्रोटेस्ट आएगा, और इस प्रोटेस्ट जो इस बार होगा तो इसमें स्टूडेंट हिस्सा लेने वाले हैं, तमाम स्कूल बंद होगा और स्कूली विद्यार्थियों जो है स्टूडेंट जो है इसमें हिस्सा लेने वाले हैं जोर तोर से। इसके बारे में हम मुमकिन अगर खबर रहेगा तो हम आपको और ख़बरें देंगे। सेंट्रल बैंक फंड सूरीनाम के पास नया गवर्नर का नाम भी आप लोग बाहर लाई है। मॉरिस रूमर का नाम लिया गया है डायरेक्टर सेल्फ रिलायंस का, और ये साथ में प्रेसिडेंट कॉमिसारस है हाकरिंग बैंक के पास। ये नया गवर्नर बनेगा सेंट्रल बैंक फंड सूरीनाम का। ये सुनने में आए हैं कि इसके लिए सूरीनाम्स बैंक्स बैंकीज फरेनिंग जो है फरेनिंग सूरीनाम्स बिद्रेवस्लीफन और एसोसिएटी फंड सूरीनाम्स फैब्रिकंटन जो है और भी बॉन्ड सेंट्रल बैंक फंड सूरीनाम के पास, ये सब इसके लिए सहमति दे चुके हैं। लोग सहमत हैं रूमर के बनूमिंग से। रूमर का बनूमिंग आज शनिचर को हुआ है प्रेसिडेंट देसी बाउदश के जरिए। ये पता चला इसमें रुकावट इसलिए आए थे क्योंकि ये सूरीनामर नहीं है, सूरीनाम देश के नागरिक नहीं है, तो इसका नेचुरलाइजेशन बहुत ज़रूरी था। यह नेचुरलाइजेशन रूमर का हो गया है, तो इसका भी बनूमिंग आज सेंट्रल बैंक फंड सूरीनाम का ये नया प्रेसिडेंट ठहराया गया है। ये प्रेसिडेंट बने हैं, गवर्नर बने हैं सेंट्रल बैंक फंड सूरीनाम का, नया गवर्नर बने हैं मॉरिस रूमर। इससे पहले सिगमंड प्रूफो और आर्मान सुंदर का नाम भी लिया गया था, लेकिन बहुत से लोग इन लोगों के फोरद्राफ से सहमत नहीं थे, तो ये जारी नहीं हुआ है। वैसे ये भी हम आपको बता दें कि रॉबर्ट ग्रेफ अंतरिक्त अब एक्स गवर्नर जो है और जिसके खिलाफ इस वक्त कानूनी कार्य लिया जाता है, ये भी इनको भी नेचुरलाइज़ करना ज़रूरी था, क्योंकि ये भी सूरीनामर नहीं था जब इन्हें सेंट्रल बैंक फंड सूरीनाम का गवर्नर बनना था। मंट बिलियतन फिर से इस्तेमाल होता है, ये कागज़ का जो नोट है ये फिर से इस्तेमाल किया जाता है। एक SRD और 2 SRD 5 तक, 1 SRD और 2 SRD 5 तक का मंट बिलियतन जो है ये फिर से इस्तेमाल होता है। ये मिनिस्ट्री फंड फिनंसियन की तरफ से खबर मिला है, क्योंकि एक कमताई है ये मंटन का, मंटन की कमताई है, इसलिए ये मंट बिलियतन फिर से इस्तेमाल होता है। 2004 से मंट बिलियतन इस्तेमाल होता है, और इस बारे में दुका पार्लियामेंटारियर कारोल ब्रेफेल्ड पंचघर में सवाल किए हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्यों जनता को इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया है। मिनिस्टर फिनंसियन मिनिस्ट्री फॉर फिनंसियन ये बताते हैं कि यह मंट बिलियतन ये अभी तक कानूनन इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यह वैतख बताल मेडल है, और लोग इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि लोग ज़्यादा तौर पर ये मंटन इस्तेमाल करते थे, लेकिन मंट बिलियतन इसको लोग रुलासी से कभी नहीं निकाले हैं। ये इस्तेमाल करने का इस पर कोई रुकावट नहीं था, ये वैतख बताल मेडल अभी तक है, और ये कमताई जो मंटन का है, इसलिए यह मंट बिलियतन जो है कागज़ का जो नोट है 1 SRD और 2 SRD 5 तक, ये भी अब इस्तेमाल होता है। पुलिस जो है मंगल के शाम को लगभग 1 मिलियन से ज़्यादा US डॉलर्स जो है, अमेरिकन डॉलर जो है, कब्ज़े में लिए है अमखेफिंग क्लारा स्लोस
क्लारा सर्स क्वारंटाइन पोल्डर इलाका निकेरी के आसपास में। इस मामले में तीन आदमी गिरफ्तार हुए हैं, महेंद्र एर 34 साल का, जर्मन एस फेरतहियार 40 साल का और अंद्रे पे 46 साल सेशन फेरतहियार का। अफदेलिंग फ्रॉड पुलिस का जो इस मामले में खोजबीन कर रहे हैं, इन लोगों पर ये तीन लोग जो गिरफ्तार हुए हैं, इन लोगों पर इल्ज़ाम है ओवरट्रेडिंग द फीसा वेट का, वेट तेगनगान स्मगल और वेट स्ट्राफबार सेलिंग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। खोजबीन हो रहा है ये पैसा किसका है, कहां से आए है और किस लिए किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये तमाम चीज़ें अफदेलिंग फ्रॉड पुलिस का खोजबीन कर रहा है। सरकार को सेफ ने फिर तक जो है एक प्रस्ताव इन लोगों के सामने पेश किए हैं और इन पर दबाव अब डाला गया है जितना जल्द हो सके बलास्टिंग फरलाख दमाद रिखलन लेने के लिए लोन ट्रैकर्स के वास्ते। कई ऐसे खत सेफ ने फिर तक बताते हैं लिखा गया है सरकार के लिए, लेकिन इस पर कोई जवाब नहीं आता है, सरकार इस पर गौर नहीं करते है। अब लोग चाहते हैं जो इन लोगों का मांग है ये पूरा किया जाए। रॉबी बेरनस्टेन फोर्सेटर सेफ ने फिर तक का ये कहते हैं कि पेशतर बातचीत हो चुका था सरकार से इस मामले के बारे में, तब सरकार जो है इन लोगों के पास एक प्रस्ताव रखे थे, लेकिन इससे सेफ ने फिर तक जो है ये सब सहमत नहीं थे। सेफ ने फिर तक अपनी तरफ से इसमें कुछ बदलाव लाए और इन लोगों का कुछ मांग था और सरकार ने कहा था इस पर वो गौर करेंगे और बाद में आकर इन लोगों से फिर बातचीत करेंगे इस मामले के बारे में, लेकिन तब से सरकार की तरफ से कोई ऐसे जवाब नहीं आई है, लोग सरकार से बात नहीं किए हैं। अब बेरनस्टेन कहते हैं कि लोग इंतज़ार नहीं करेंगे, जो इन लोगों का मांग होगा प्रस्ताव जिस तरह से पेश होगा सरकार को इसे पूरा करना चाहिए। यह नहीं बताया गया कि अगर सरकार इन लोगों का ये प्रस्ताव पर गौर नहीं करेगा तो क्या ये सब करेंगे, ये वैसे अभी तक नहीं पता है। लेकिन ये बलास्टिंग दस्कुंदखन जो सेफ ने फिर तक कहे इस वक्त ये प्रस्ताव की तैयारी में रखे है और ये जब पूरा हो जाएगा तैयार हो जाएगा तो ये सरकार के सामने रखा जाएगा। इन लोगों का ये कहना है कि लोन ट्रैकर्स ये कहते हैं जो लोग पैसा पाते हैं, इन लोगों का कहना है कि इन लोगों का तनख्वाह का बढ़ावा दिया मिलता है, इन लोगों का तनख्वाह बढ़ाया जाता है, लोन्स फरोखिंग मिलता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बलास्टिंग में कट जाते हैं, इसलिए ये बलास्टिंग फॉर लिफ्टिंग लोन ट्रैकर्स के लिए इसका मांग सेफ ने फिर तक ने किए है। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।